आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। Yes! बहुत खुश लग रहे हैं आप? हाँ, टेक्निकली जो लोन लिया था उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी में अब कोई टेंशन ही नहीं। और जब लोन लिया था याद है कितना परेशान था? बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है, आप कह रहे थे कि लोन उतर ही नहीं सकता। अरे भाई लोन नहीं था, आजमाइश थी। दुआ करो जिंदगी में कोई टेंशन ना आए। जिंदगी आजमाइश है, एक जाती है ना तो दूसरी आ जाती है। ये कौन है? कोई नई आजमाइश तो नहीं आ रही? रहमान आप भी ना। Excuse me, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे पहचान भी नहीं सकती क्योंकि आज से पहले हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। I'm shocked. मैं तो तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है, 10 साल से तो अमेरिका में थी, अभी थोड़े दिन पहले ही वापस आई। मेरी दोस्त है, बहुत 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 पुरानी। और ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? ये हमारी बेटी है। हाथ नहीं मिलाओगी? क्या नाम है तुम्हारा? शिजा। बहुत प्यारे नाम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी बकौल। चले मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नो थैंक यू, फिर किसी और दिन सही। अरे नहीं, इतने अरसे के बाद आई हो, आओ बैठो ना, चाय वगैरह लेकर आओ। जी बेटा, आप भी जाओ मामा की हेल्प कर। आओ बैठ लो। तुमने घर बदल लिया और बताया तक नहीं। तुम यहां थी नहीं तो इसलिए। मैंने तुमसे रابطہ करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। आई एम सॉरी ऑनेस्टली। मैं तो वैसे मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई हूं, अब मैं यहीं रहूंगी इसी शहर में। बहुत सारे लोगों के साथ हिसाब किताब करना है। हमारा बैग देखकर मुझे यूं लगा जैसे तुम सीधा एयरपोर्ट से आ रही हो। नहीं, कुछ दिन होटल में रही, फिर एक फ्लैट मिला है रेंट पे, लेकिन मैं वहां नहीं रहूंगी। मैं
यहां रहूंगी इसी घर में। पॉसिबल नहीं है, यहां नहीं रह सकती। यहां कैसे? यहां क्या क्या है यहां? देखो राज, समझने की कोशिश करो, यहां तू सब। देखो अगर मैं यहां नहीं रही तो कहीं और रह लूंगी, लेकिन वहां रहने के बाद जो हाल मैं तुम्हारा करूंगी वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। मैं तुम्हें से फोन करने आई हूं, बहुत धोखा दिया तुमने मुझे, अब तुम्हारा हिसाब होगा। आप जा रही हैं? नहीं, ये कहीं नहीं जा रही, यहीं रुक रही हैं। हमारे साथ कुछ दिन। ठीक है, चलिए मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, चाय भी वहीं पर ले आऊंगी। ओके। ये है हमारा गेस्ट रूम। हमारे रिलेटिव्स और दोस्त बहुत कम है ना, तो ये गेस्ट रूम बहुत कम खुलता है। बहुत शुक्रिया, मुझे तो सिर्फ सर छुपाने की जगह चाहिए। अरे नहीं, अच्छा कि आप यहाँ पर रहने के लिए आ गई, मेहमानवाजी का मौका बहुत कम मिलता है ना मुझे। वैसे रहमान ने कभी आपके बारे में बताया नहीं, मेरा मतलब है कि उसके सब कजन्स को मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, कभी उन्होंने भी आपके बारे में बात नहीं की? आपने वो मुहावरा सुना है, आंख ओझल पहाड़ ओझल? इंसान की नजरों के आगे से अगर पहाड़ जैसी चीज भी गायब हो जाए ना, तो वो भूल जाएगा कि यहाँ कभी कोई पहाड़ हुआ करता था। चले, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगी। आप रहमान की दोस्त हैं तो मेरी भी दोस्त हैं। ऐसे मैं ना बोर हो जाती थी, मैं चाहती थी कोई मेरे पास हो, मैं उससे मिलकर लोगों की बुराइयां करूं। सही कह रही हूँ, मेरी कोई बहन भी नहीं है और सब कजन्स की शादी हो चुकी है, बस शाजन आजर उनसे बात होती है इसलिए। चलो एटलीस्ट मेरे आने से तुम्हें अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा मजाक अपनी जगह पर, लेकिन आप इस घर को अपना घर ही समझें, किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताइएगा। अब आप आराम करें। शिजा, बहुत प्यारा नाम है, क्या मतलब है इसका? शिजा का मतलब है तोहफा। ये नाम मैंने रखा था, बल्कि ये समझिए कि उसके पैदा होने से पहले ही हमने सोच लिया था कि यही नाम रखेंगे। बहुत प्यारा नाम है और शिजा भी बिल्कुल अपने नाम की तरह है, एक कीमती तोहफे की तरह। बिल्कुल, हमारे लिए तो शिजा एक बहुत ही कीमती तोहफा है। चले आप आराम करें, शाम में खाने पर आपसे बात होगी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा उसे रूम, वैसे बहुत बातें करती है। हाँ। इतने से टाइम में बहुत सी बातें कर ली हम लोगों ने। अच्छा है इस घर में कोई तो हो जो मुझसे बातें कर पाए। हाँ। आपने पहले कभी बताया नहीं उसके बारे में? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और बहुत पहले यूएस चली गई थी। चलो ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ स्पेशल बनाती हूँ उसके लिए। चाइनीज बना सकती हो? हाँ बन जाएंगे। पसंद है उसे? अब हाँ यार, ये राइडर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? कब से इसको फोन किया हुआ है?
मुझे लगा मामा आई हैं। वैसे मैं भी आपकी मामा की तरह ही हूँ, नहीं? मामा डांटते हैं? जी, जब मैं मोबाइल ज्यादा देखती हूँ ना तो बोलती हैं हेडफोन्स लगाने से कान खराब हो जाएंगे। मगर आप मुझे खुद बताएं, बगैर साउंड के गेम खेलने में कोई मजा है? ऐसे पॉइंट तो है, लेकिन मामा तुम्हारी परवाह करती हैं, तुम्हारी फिक्र करती हैं, तभी तो मना करती हैं ना। जी, जब ज्यादा फिक्र करती हैं तब नहीं खेलती। चलो, वेरी गुड, दिस इज फॉर यू। वाओ, इतनी सारी चॉकलेट्स। और भी बहुत सारी हैं, बाद में लेना, ओके? सो स्वीट ऑफ यू। वैसे आप अमेरिका में कहाँ रहती थी? शिकागो। वाओ, मुझे भी अमेरिका देखने का बहुत शौक है। पापा ने कहा है जब मैं बड़ी जाऊंगी ना तो वो मुझे अमेरिका जरूर लेके जाएंगे। तो भाई, घूमने के लिए बड़े होने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ जाके अमेरिका दिखा सकती हूँ। पर मामा और बाबा, उनके साथ बड़े होकर घूम लेना। नहीं ना, बाबा नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं, अगर मैं तुम्हारे बाबा से पूछूं तो फिर तुम मेरे साथ चलोगी? फिर तो कोई मसला नहीं है, जरूर चलूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। वैसे खाने की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ऑर्डर किया है? ऑर्डर नहीं किया, मैंने खुद बनाया। इतनी जल्दी? हाँ, बस मैं चाइनीज की सारी वेजिटेबल्स काट के रखती हूँ और फिर जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि रहमान को बहुत पसंद है ना, इसलिए। रहमान को? लेकिन तुम्हें तो देसी खाने ज्यादा पसंद नहीं है, बिरयानी, पाए, कोरमा वगैरह। हाँ, कभी था, लेकिन अब डाइजेस्ट नहीं होता तो इसलिए नहीं खाया जाता। चलो, गुड चेंज, वरना फहमीदा, आई स्वेयर टू गॉड, ये हर दूसरे दिन बिरयानी बाहर से ऑर्डर कर दिया करता था। मैंने तो उसका नाम ही रहमान बिरयानी रखा हुआ था। वेरी नाइस, थैंक यू। वैसे शिशा बेटा, मैं आपको अमेरिका में ऐसे से खाने खिलाऊंगी कि आप हैरान रह जाओगे। अच्छा, अमेरिका जाने का प्लान भी बना लिया? बहुत फरमाबरदार बच्ची है, कह रही थी कि अपने पापा की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, अभी बच्ची है। लेकिन मैं तो बच्ची नहीं हूं ना, ले जाऊंगी इसको अपने साथ। क्यों फहमीदा भाई, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज वाली बात तो नहीं, लेकिन शिजा के बगैर मेरा घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। लेकिन एक प्लान है मेरे पास, हम सब लोग चलेंगे, क्यों शिजा? यस, बहुत मजा आएगा। चलो, डन हो गया, अब हम सब साथ चलेंगे। तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में नहीं होना चाहिए,
क्या कर रही हो तुम? क्या कह रहे? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। शिजा से ये सब बातें करने की क्या जरूरत है, वो बच्ची है। ऐसी क्या बात कर दी मैंने भाई? अमेरिका घुमाने का कहना कोई बुरी बात तो नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने खर्चे पे घुमाने लेकर जा रही हूँ। तो मेरी बेटी को कहीं नहीं लेके जा सकती मेरी इजाजत के बगैर, समझी? क्यों, किस बात का खौफ है तुम्हें? बोलो, जवाब दो। तुम सब जानती हो। मैं ऐसा क्या जानती हूं जिसको सोचकर तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं? तुम शिजा को कहीं नहीं लेकर जा सकती, समझी? मैं शिजा को जहां चाहूं लेकर जा सकती हूं। तुम्हारा शिजा पर कोई हक नहीं है। वो मेरी बेटी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। वो हम दोनों की बेटी है। आहिस्ता बात करो, वो सुन लेगा। कब तक आवाज दबाओगे मेरी? मैंने कब आवाज दबाई तुम्हारी? दी हुई थी हमें, पैसे लिए थे तुमने। पैसे देकर तुमने मुझसे मेरी बेटी तो ले ली, लेकिन मेरी ममता नहीं खरीद सका। इतना बकवास और बोगस लग रहा है ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से, ममता। इसी अल्फाज की ताकत दिखाने आई हूँ तुम्हें। रात को ऐसी गलती मत करना जिससे फहमीदा को हकीकत का पता चल जाए। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे कभी पता नहीं चलेगा कि शिजा कौन है? ऑब्वियसली उसको पता कि शिजा उसकी बेटी नहीं है। ऑफ कोर्स उसको पता है, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती। वो जानती है शिजा उसकी औलाद नहीं है, लेकिन मैं उसको वो बताऊंगी जो तुमने अब तक उसे नहीं बताया। तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी बीवी को ये तो पता है कि शिजा उसकी बेटी नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि शिजा के लिए तुमने मुझसे निकाह किया था। निकाह नहीं किया था, सौदा किया था, डील। तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे औलाद की। हम दोनों को जो चाहिए था हम दोनों ने हासिल कर लिया। हासिल सिर्फ तुमने किया, मैंने सब गवा दिया। तुम्हारे दिए हुए पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरी ममता का एहसास कभी नहीं मरेगा। बकवास बंद करो अपनी। हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेंगी, लेकिन फिक्र मत करो, ये बकवास तुम्हें ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी को यहां से ले जाने में कामयाब नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत। कहाँ गए थे आप? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। जरा बैकयार्ड तक गया था। बस वही नहीं देखा मैंने। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं कहीं चला जाऊंगा? नहीं, इस वक्त आप कमरे में होते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। ऐसे क्या देख रही? क्यों, क्या हुआ है? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। सब खैरियत है ना? क्यों, क्या हुआ? किसी नई आजमाइश में तो नहीं पड़ गए? तुम्हें कार्टून्स अच्छे लगते हैं? बहुत ज्यादा। तुमने डिज्नीलैंड का नाम तो सुना होगा? ऑफ कोर्स, वो तो मेरी फेवरेट जगह है। वहां पे
एक बार तो जरूर जाऊंगी। रियली? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वहां खुद लेके जाऊंगी। क्या? बच्चों से बार बार ऐसी बातें नहीं करते, उनका दिल नाजुक होता है, उम्मीद लगा लेते हैं, और जब उम्मीद टूटती है तो नाजुक सा दिल भी टूट जाता है। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं कि मैं इसे नहीं लेके जाऊंगी। मैं तो इसे पूरी दुनिया घुमाऊंगी। हम जाएंगे मगर साथ में। वैसे तुम शजा को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। I don't know. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खौफ है कि शजा को तुमसे कोई दूर ले जाए। मेरी एक ही बेटी है, इसलिए कुछ ज्यादा ही केयरिंग हूं मैं। वैसे केयरिंग और इनसिक्योर होने का फर्क पता होना चाहिए, नहीं? ये आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? क्या मतलब किस तरह बात कर? आप रहमान के गेस्ट हैं, वरना 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 एक सेकंड भी बर्दाश्त ना करती अपने घर में मैं। तो खैरियत है, क्या हो रही है? ये बदतमीजी कर रही है मुझसे। तमीदा, तुम शिजा को लेकर अंदर जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मुझे राहत से बात करनी है। शिजा बेटा अंदर जाओ। जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। चलो ये तो और अच्छा है। आज जो भी बात है वो तुम्हारी बीवी के सामने ही हो जानी चाहिए। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब तो मैं भी सुनना चाहता। काश शोर मचाने से हकीकत छुप सकती। शिजा मेरी बेटी है। तुम्हें कम से कम इतना तो पता है ना कि शिजा तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं शिजा की मां नहीं हूं, मगर शिजा तो मुझे ही अपनी मां समझती है ना। आपने मुझसे झूठ बोला? आपने मुझे कहा था कि ये मेरे दोस्त की बेटी है और वो दोनों मियां भी मर चुके हैं। वाह, ये कहा था तुमने इससे? तुम तो इतनी अच्छी कहानियां बनाते हो, तुम्हें तो राइटर होना चाहिए था। पर ऐसी कहानी बताते हो कि अगला बंदा यकीन भी कर लेता है। रहमान बोलते कि ये सब झूठ है। इसकी खामोशी से ही तुम्हें सारे जवाब मिल जाने चाहिए। और वैसे भी अब ये जो भी कर ले, इस घर से शिजा को ले जाने पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए नहीं, प्लीज प्लीज शिजा को यहां से मत लेकर जाओ। वो कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी ये हकीकत कैसे बर्दाश्त करेगी? प्लीज प्लीज इसे समझाओ। उसे हकीकत पता चलेगी तभी तो मैं उसको यहां से अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। क्यों ले जाना चाहती हो तुम उसको यहां से? तो देखा तुमने, वो यहाँ पली बड़ी है। रहमान बताओ बताओ, हमने कभी कभी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो? वो जो चाहती है मुझे ना कर देते हैं ना। इसको बताओ ना, वो इसे यहाँ से मत लेकर जा। प्लीज रहमान से कहो कि उसको यहाँ से मत लेकर जा। मैं अपनी बेटी को उसी दिन ले जाती जिस दिन इस धोखेबाज इंसान ने झूठ बोलकर उसे मुझसे दूर किया था। किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। तुमने इस बात की मुझसे कीमत ली थी, वादा किया था कि तुम मुझसे मेरी बच्ची वापस नहीं लोगी। हाँ तो अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम क्यों वापस आई हो? बहुत भरोसा है तुम्हें इस शख्स पर, होना भी चाहिए, शौहर है तुम्हारा। लेकिन अभी भी
एक सच ऐसा और है जो इसने तुमसे छुपाया हुआ है। राहत, राहत, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आज इसको हकीकत बताकर रहूंगी। अगर एक और लफ्ज मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। रमिता तुम अंदर जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज तो मेरी बात सुनो। फहमीदा अंदर जाओ। इसने मुझसे निकाह किया था। फहमीदा, फहमीदा, क्या हुआ? रहमान, मैंने ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि राहत कह रही है कि शीजा उसकी बेटी है, और मैंने ये भी देखा है कि वो ये कह रही है कि उसने आपसे निकाह किया हुआ है। शुक्र है अल्लाह का, इतना बुरा ख्वाब, शुक्र है ये हकीकत नहीं थी, शुक्र है इतना। रहमान, रहमान, तुम बोल दो ना, ये सिर्फ ख्वाब था, सच नहीं है। रहमान, तुम खामोश क्यों हो? बोलो ना, ये झूठ है। तुमने कोई ख्वाब नहीं देखा, यही सच। तुमने मुझसे झूठ बोला। सच बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। उस वक्त राहत अमेरिका जा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसने कहा तो वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी, और मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मेरी वजह से? तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं सिर्फ औलाद के लिए। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, और ना ही किसी और का बच्चा पालना चाहता। तो बताओ मैं क्या करूं? तो क्या राहत राजीजा को ले जाएगी? क्या मेरा कोई हक नहीं होगा उस पर? मैं किसी भी कीमत पर राहत को शिजा को ले जाने नहीं दूंगा। अगर वो उसकी माँ है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, मैं भी नहीं। कुछ अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई दूर जाने वाला है, बहुत दूर। आप रो क्यों रही हैं मामा? पर कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन दूर जाने वाला है? जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो दूर जाने वाला। कैसी बातें कर रही हैं मामा? पापा कहाँ हैं? शिजा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम क्या मेरा यकीन करोगी? जी मामा, बोले ना। दरअसल बात जी, तुम ये याद रखना, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ माँ, लेकिन लेकिन इस घर में चल क्या रहा है? मामा, पापा, बताएं ना, क्या हम तीनों के बीच में कोई सीक्रेट है? सीक्रेट ही समझ लो।
पर ये सीक्रेट बहुत दिन तक छुप नहीं पाएगा। राहत जाओ यहाँ से। क्या क्या बोल रही हैं आप? आपको कैसे पता हमारा सीक्रेट? इस सीक्रेट का बहुत बड़ा हिस्सा मैं हूं और तुम भी। तुम्हारे जोर से बोलने से क्या हकीकत छुप जाएगी? तुम्हें क्या लगता है शिज़ा को कभी पता नहीं चलेगा कि फहमीदा उसकी असल माँ नहीं है? क्या क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं बेटा, बकवास कर रही हैं ये बकवास कर रही हैं ये। मामा ये झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है ना ये? आप ही मेरी मामा है ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यकीन है ये झूठ बोल रही है। तुम्हें यही सच है, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। शिज़ा, 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 मामी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। हाँ जी, आप हैं मेरी माँ। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी रिलैक्स। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स बाद में भेज देता हूँ। ओके। ये क्या है? इस घर के कागजात, मेरा सब ले लो। प्लीज शिज़ा को मत लेकर जाओ, उसे यहीं छोड़ दो। पैसे तो तुमने पहले भी मुझे बहुत दिए थे। मुझे पैसे नहीं, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यूं अचानक अब तुम्हें शिज़ा क्यों चाहिए? तुम तो सिर्फ इतनी हकीकत जानते हो ना कि शिज़ा के पैदा होते और तुमसे तलाक लेने के बाद मैं अमेरिका चली गई थी। तुम जानते हो वहां मेरे साथ क्या हुआ? मेरा मिसकैरेज हुआ। डॉक्टर्स ने कहा मैं कभी मां नहीं बन सकती। 10 साल मैंने अपने शौहर के ताने सुने, बहुत कुछ सहा मैंने, और फिर जब उसको औलाद मिल गई तो उसने औलाद के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं अकेला एक पराए मुल्क में। मैंने तो किसी और की गोद खुशियों से भरने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दी। बदले में मुझे क्या मिला रहमान? तुम बताओ क्या मिला मुझे? इस सब में मेरा, फहमीदा का या शिज़ा का क्या कसूर है यार? तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। नहीं, मैं खुद खर्च नहीं हूं। अरे मैं तो सिर्फ उस औरत के बारे में सोच रहा हूं। एक भी पल अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकी। और मैं उसकी हकीकी मां, मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? क्या मैं मर जाऊं? तुम बताओ क्या करूं मैं? क्या तो तुम भी ठीक ही रही हो। इस पूरी कहानी में ना तुम कसूरवार हो, ना मैं और ना ही फहमीदा। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, सजा शिज़ा को मिलेगी। बेटी तो तुम्हारी भी है, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? Are you okay? नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? घर में सब कुछ अजीब से चल रहा है।
कोई भी खुश नहीं है। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि घर का माहौल ऐसा क्यों है? घर में कभी भी ऐसा माहौल नहीं था जब तक तो तुम्हें लगता है कि सब मेरी वजह से अपसेट है। एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में माँ का मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारे नजदीक माँ की डेफिनेशन क्या है? माँ तो मामा होती है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान किसी को मामा कह रहा है और वो उसकी मामा ना हो और उसकी मामा कोई और हो, तो उसको क्या करना चाहिए? आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा के अलावा एक और मामा? मामा तो एक होती है ना। बिल्कुल, एक ही होती है। लेकिन आप इमेजिन करो कि जिसको तुम मामा कह रहे हो वो तुम्हारी मामा नहीं है, असल में तुम्हारी माँ कोई और है, तो तुम क्या करोगी? अब बोलना क्या चाह रही हैं? ऐसा तो सोचा भी नहीं जा रहा। नहीं मतलब, अगर जो मेरी मामा है वो मेरी मामा नहीं है, तो जो मेरी मामा है वो मुझे छोड़कर क्यों जाएंगी? बेटा, मजबूरी होगी। नहीं, माँ कभी मजबूर नहीं हो सकती। बल्कि मैंने तो सुना है मामा बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं बिल्कुल जैसे मेरी मामा है। तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए लड़ी थी? जी बिल्कुल। एक बार मुझे बहुत सीवियर टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ तुम अपनी माँ की दुआओं की वजह से जिंदा हो। मेरी माँ मेरे लिए कुदरत से लड़ी थी और मेरे लिए मेरी जिंदगी वापस लाई थी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरी मामा की जगह कोई और माँ हो। सॉरी, मुझे लगा तुम रूम में हो। बैठो। मुझे तुमसे बात करनी थी। बोलो। शेजा को बॉय लाइक पसंद है, चिकन में शौक से नहीं खाती, डस्ट एलर्जी भी है उसे, डर जाती है वो रात को, एक दो बार उसके रूम में जाना पड़ता है। मैंने उसे बहुत बार कहा कि मेरे साथ आकर सो जाया करो, लेकिन कहती कि मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ नए कपड़े लाई हूं मैं शेजा के लिए, तुम साथ ले जाना। टिकट मंगवा लिया मैं। हाँ, वो मैं कह रही थी कि शेजा होमवर्क करने में सुस्ती करती है।
फ्रेंड्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। दोगे ध्यान जाहिर है माँ उसकी। और तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? नहीं पता मुझे। पर एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे तुमसे। बोलो। जब ऋषिता को यहां से लेकर जाओ ना, तो उसे कहना कि तुम उसे अमेरिका घुमाने के लिए लेकर जा रही हो। और वहां जाकर कह देना कि मैं और रहमान एक्सीडेंट में मर गए। देखो, मैं नहीं चाहती कि शीजा को कभी भी पता चले कि मैं उसकी मां नहीं हूं। शायद शायद मैं उसके बगैर बगैर सिंदा रह लूं, लेकिन उसको ये पता चल गया कि मैं उसकी मां नहीं, तो मैं कभी नहीं जिंदा प्लीज शिजा को कभी मत बनाना कि मैं उसकी मां नहीं हूं। प्लीज प्लीज कोई और माँ हो। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कम सिट विद मी। हाँ तो फिर हम कब जाए अमेरिका? आपको याद है ना, आपने मुझसे कहा था आप मुझे अपने साथ अमेरिका लेके जाएंगी। कहा तो था, लेकिन फिर शिजा मैंने बहुत सोचा। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ रहने से सबका मूड ऑफ हो रहा है और सब अपसेट हो रहे हैं, तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है ना। देखा, मुझे नहीं पता कि गलती पहले किसकी थी, लेकिन अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने सुना था कि पैदा करने वाले से पालने वाला बहुत बड़ा होता है, और अब देख भी लिया। मेरा शिजा के लिए प्यार एक तरफ, लेकिन मैं एक माँ होते हुए दूसरी माँ पर जुल्म नहीं कर सकती। शिजा सिर्फ तुम्हारी बेटी है, और मैं चाहकर भी उसको तुमसे अलग नहीं कर सकती। बस दुआ करना कि शिजा जैसा तूफान कोई मुझ तक पहुंचा दे, ताकि मैं अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दूं।
आप जा रही हैं? हाँ मैं जा रही हूँ। अभी तो हमने सिख से खेला भी नहीं है ना। मैं ना फिर वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। फिर हम बहुत सारा खेलेंगे। अभी ना मुझे कुछ काम है। अच्छा क्या बहुत जरूरी काम है? जैसे बाबा को ऑफिस में होता है। हाँ बिल्कुल उसी तरह। लेकिन शिज़ा जाने से पहले आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करोगी? मेरे जाने के बाद आपने अपनी मामा और पापा का बहुत ख्याल रखना है। प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। I will miss you. I will miss you too. सकून दिल का रिश्ते करार हैं, इनमें ही सारे मौसम पतझड़ बहार हैं। खुशियां मिले आंसू मिलके इनको सहना है ये समय का दरिया इसको यूं ही बहना है। ये रिश्ते ये नाते हैं रेशम के धागे से उलझ के ही नए ख्वाब जागे। ये सांसों की डोरी इन्हीं से जुड़ी